सो हाय गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो फ्री फायर इंडिया वर्जन को रोक दिया गया है, लेकिन क्या आप लोग जानते हो इसके पीछे असली वजह क्या है, इसका खास कारण क्या है? नहीं, तो इसका असली वजह यह है कि भाई देखो, फ्री फायर इंडिया वर्जन को करने वाले लाएंगे एकदम धमाकेदार तरीके से, मतलब कि उसका सेलिब्रेशन किया जाएगा। और आज मैं उसके थीम पे एक कैलेंडर दिखाने वाला हूँ फ्री फायर इंडिया वर्जन के थीम पे, यानी कि जो आप लोगों को फ्री फायर इंडिया वर्जन मिलने वाले है वो किस दिन को मिलेंगे, कौन कौन से फ्री के रिवॉर्ड्स आपको दिए जाएंगे एंड उसका कैलेंडर क्या कुछ होने वाले है, मतलब कुल मिला के आपको कौन कौन से फ्री के रिवॉर्ड्स मिलने वाले है इंडिया वर्जन डाउनलोड करने के लिए और उसमें गेम प्ले करने के लिए, एंड डेट भी वीडियो के अंदर शामिल है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो और इसके अलावा इस वीडियो के अंदर आप लोग को अक्टूबर मंथ का जो भुया पास है आज उसका रिव्यू करने देने वाला हूँ, कौन कौन से आइटम्स को अक्टूबर मंथ भुया पास के अंदर दिए जाएंगे। साथ में कुछ और भी कमाल के अपडेट्स आप सबके लिए लेकर आया हूँ फ्री फायर इंडिया वर्जन के ऊपर, भी कुछ अपडेट को आज जो है अपडेट में देने वाला हूँ, तो बस आप लोग वीडियो को देखते रहो। अब सबसे पहले बात करते हैं अपने आईडी अनबैन को लेकर या फिर जो आईडी सस्पेंड हो गया है उसके लेकर। अब देखो यहाँ पर बहुत से भाई लोग ये कह रहा है फ्री फायर इंडिया वर्जन आएगा तो क्या हमारा जो बैंड हो गया आईडी है, सस्पेंड हो गया आईडी है, वो दोबारा अनबैन हो जाएगा, दोबारा अपने आईडी सस्पेंड से क्लियर हो जाएगा एंड हम लोग उसके अंदर क्या फिर से गेम प्ले कर सकते हैं? तो भाई इसका जवाब है नहीं। आपने जितने सारे आईडी ऐसा है जो कि हैक के लिए बैन किया गया है, मतलब आप लोगों ने जानबूझकर अपने आईडी में कुछ छेड़खानी किए हो, गेम के फाइल के अंदर कुछ छेड़खानी किए हो, तो उन आईडी को करने वालों ने जो बैन किया है वो अनबैन नहीं होगा। और उसके जगह पर अगर कुछ ऐसा आईडी है जिसके अंदर सच में आप लोगों ने कुछ ऐसा काम नहीं किया हो जो कि बैन का लायक हो, तो फिर गाइस देखो यहां पर चांसेस बहुत ज्यादा बन रहा है कि भाई करने वाले जबकि अपने गेम के अंदर सर्वर के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, जितने सारे प्लेयर अपने फ्री फायर इंडिया वर्जन के अंदर अपने आईडी को लॉगिन करने वाले हो, आपको पहले एक चीज जानना जरूरी है और वो ये है कि आप लोग एक वक्त पर फ्री फायर मैक्स, फ्री फायर इंडिया वर्जन दोनों के अंदर गेम प्ले नहीं कर सकते एंड इसलिए भाई चांसेस बहुत ज्यादा है कि जितने सारे भाई लोगों का आईडी ऐसा हो जो कि भाई बिना कारण से बस सस्पेंड हो गया हो, कुछ हैक नहीं किया हो, कुछ मतलब गेम के फाइल के अंदर छेड़खानी नहीं किया हो, बस बिना समझे करने वालों ने अपने आईडी को सस्पेंड कर दिया है या फिर बैन कर दिया है, उनमें से कुछ आईडी करने वाले दोबारा रिलीज कर देंगे या फिर कह सकते हो आईडी को रिलीज करके उस आईडी में आप लोग गेम प्ले दोबारा कर सकते हो, तो ऐसा कुछ लीक्स जो है मिला है। लेकिन हाँ, ये सब कुछ एक झटके में नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा करने वाले को, करने वाले थोड़ा सा टाइम लेंगे एंड उसके बाद ही इन चीजों को फिक्स करेंगे, फिर कह सकते हो अपने बैन हुआ गया आईडी को, सस्पेंड हो गया आईडी को दोबारा रिलीज किया जाएगा, आप लोग उस आईडी को फिर से गेम प्ले अंदर ला सकते हो एंड उसके अंदर गेम प्ले कर सकते हो, बाकी ये तुरंत इतना जल्दी नहीं होने वाले, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको लेने के लिए। खैर आओ गाइस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने अक्टूबर मंथ भुया पास के बारे में कि ऐसे कौन कौन से रिवॉर्ड्स है गाइस जो कि आप लोग को अपने अक्टूबर मंथ भुया पास के अंदर देखने को मिलने वाले। आप लोग गाइस सबसे पहले बैनर यहां पर देख पा रहे हो जिसमें कि भाई सबसे पहले आप लोग को ये वाला M60 गन स्किन दिया जाएगा, डबल रेंज और सिंगल मूवमेंट स्पीड इसके अंदर एट्रीब्यूट दिया गया है, एक्यूरेसी माइनस है एंड हां गाइस को एक लेजेंडरी गन स्किन भी होने वाले है। देन आप लोग को ये वाला बैकपैक का स्किन दे दिया जाएगा अपने अक्टूबर मंथ भुया पास के अंदर और ये एक नॉर्मल बैकपैक स्किन रहेगा जो कि ऊपर के लेयर में रहेगा। फिर आप लोग को ये वाला सर्प बोर्ड का स्किन मिलने वाले अक्टूबर मंथ भुया पास में, थोड़ा सा यूनिक डिजाइन किया गया है जिसका कारण ये देखने पर बढ़िया लग रहा है। अगर हम दूसरे कुछ रिवॉर्ड्स की बात करें, आप लोग को हर बार की तरह कुछ बैनर और अवतार अपने भुया पास के अंदर दे दिए जाएंगे, न्यू डायमंड रॉयल का वाउचर भी आपको देखने को मिलने वाले। फिर गाइस ये होने वाला है अपने एक न्यू लूट बॉक्स स्किन जो कि भुया पास के अंदर दे दिए जाएंगे, थोड़ा सा ये भी यूनिक डिजाइन है। बाकी गाइस पहले आप लोग सारे रिवॉर्ड्स का एक बार रिव्यू देख लीजिए और उसके बाद आप लोग बताना कि आप लोग को आइटम्स वगैरह जो दिया जाएगा अक्टूबर मंथ भुया पास के अंदर वो कैसा कुछ लगा है। फिर आप लोग को ये वाला गाड़ी का स्किन देखने को मिलने वाले जो कि पानी और जमीन दोनों पर चलता है एंड एक थीम स्किन दिया जाएगा, कुछ लेजेंडरी कुछ इफेक्ट्स वगैरह आप लोग को देखने को नहीं मिलने वाले इसके अंदर। उसके बाद गाइस आप लोग को इस तरीके से ब्लू कलर का चश्मा देखने को मिलने वाले और ये जो है ऊपर के लेयर में रहेंगे भुया पास के। देन भाई ये वाला गुलवाल का स्किन आप सबको देखने को मिल जाएंगे और ये जो गुलवाल स्किन है भाई ये अक्टूबर मंथ भुया पास के अंदर जो दिया जा रहा है इसके अंदर कुछ इफेक्ट्स नहीं रहेंगे, बस जो यूनिक डिजाइन है वो काफी दमदार किया गया है, शार्क का मुंह बना गया है गुलवाल के अंदर। उसके बाद गाइस आप लोग को दो अवतार मिलने वाले, पहले दो बैनर दिया जाएगा और उसके बाद भाई यहाँ पर दो अवतार दिया जाएगा। बाकी हाँ गाइस जितने लेवल पर ये रिवॉर्ड्स आप लोग देख पा रहे हो, जैसे ये भुया पास गेम के अंदर आ जाएगा तो भाई ये रिवॉर्ड्स और लेवल दोनों चेंज हो जाएंगे। मतलब गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर ग्रेनेड का स्किन देख पा रहे हो जो कि मान लो अभी 60 लेवल पर दिया गया है, लेकिन भुया पास आने के बाद भाई ये आप लोग को 80 लेवल करने पर भी देखने को मिल सकता है, इस तरीके से भाई लेवल चेंज भी हो सकता है। देन आप लोग को इस तरीके से एक बैकपैक का स्किन देखने को मिलने वाले, लेवल 3 पर देखने पर बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में, एनिमेशन इफेक्ट्स वगैरह दिया गया है, बस हाँ लेवल 1-2 में ज्यादा कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा छोटा बन जाएगा। फिर आप लोग को ग्रोजा का और एक गन स्किन अपने भुया पास के अंदर देखने को मिलने वाले, सिंगल आर्मर पेनिट्रेशन इसके अंदर एट्रीब्यूट दिया जाएगा जो की सिर्फ थीम स्किन दिया जाएगा बेसिकली। अब इसके बाद जो अपना अगला रिवॉर्ड है हम उसकी बात करें तो भाई देखो यहाँ पर तकरीबन 100 लेवल कंप्लीट होता है एंड 100 लेवल करने पर आप लोग को M60 का जो गन स्किन है वो परमानेंट दे दिए जाएंगे बिल्कुल लास्ट में, यानी कि 100 लेवल पर। उसके बाद गाइस आप लोगों को जो बाकी का रिवॉर्ड है यानी कि 130 लेवल पर आपको क्या कुछ करने को मिलने वाले फ्री में, तो बेसिकली गाइस 130 लेवल करने पर आप लोग को एक प्रैंक का स्किन दे दिया जाएगा और वो भी कह सकते हो मछली के थीम पे डिजाइन है, क्योंकि भाई ये जो भुया पास आपको मैं रिव्यू कर रहा हूँ इसमें मैक्सिमम सारे के सारे आइटम्स गाइस जो है मतलब मछली के थीम पे डिजाइन किया गया है एंड इसका जो नेम गाइस वो भी कुछ ऐसे ही दिया गया है फ्रेंजी, और ये जो भुया पास है भाई इसलिए पूरा मतलब कह सकते हो मछली के थीम पे डिजाइन है, सारे के सारे आइटम्स आपको मछली जैसा मिलने वाले। देन आप लोग को ये दोनों बंडल मिलने वाले जो कि 140 लेवल पर ये वाला फीमेल बंडल दिया गया है और 150 लेवल पर आपको मेल बंडल मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने पहले ही बोल दिया हूँ भाई जो लेवल यहाँ पर दिया
किया गया है, शायद ये लेवल आगे जाकर चेंज हो जाएगा। मतलब अभी के टाइम पे आप लोग को जितना लेवल करने पर बंडल मिलता है, ये बंडल भी उतना लेवल करने पर ही मिलेंगे। बस रिव्यू के अंदर इसको 130 और 140 लेवल में दिया गया है, बिल्कुल इलाइट पास की तरह, जैसे कि इलाइट पास में लास्ट में बंडल मिलता है, बिल्कुल ऐसा ही। एंड हां गाइस, को यहीं पर अपना बुइया पास का पूरा रिव्यू खत्म होता है। अब जितने सारे आइटम्स आपको मैं दिखाया हूं अपने अक्टूबर मंथ बुइया पास के अंदर, इन सबको दिया जाएगा। तो भाई अभी आप लोग बताओ कि आप लोग को रिवॉर्ड्स वगैरह देखने पर कैसा कुछ लगा है। भाई मेरे हिसाब से कह सकते हो बुइया पास ओवरऑल ठीक ठाक सा है, ज्यादा मैं कुछ बढ़िया भी नहीं बोलूंगा और बिल्कुल खराब भी नहीं बोलने वाला हूँ। मतलब ओवरऑल जो बुइया पास दिया जाएगा वो नॉर्मल ठीक ठाक सा है, लेकिन जो नवंबर मंथ का बुइया पास आपको मिलने वाले वो इससे भी खतरनाक है। मतलब बहुत बेहतरीन बुइया पास आपको मिलेंगे और वो मिलने वाले नवंबर मंथ पे दिवाली स्पेशल। तो गाइस अगर कोई भी चाहता हो कि आप लोग को अक्टूबर मंथ बुइया पास लेना है और नवंबर मंथ बुइया पास लेना है, लेकिन दोनों में सिर्फ एक बाय करना है, तो भाई आपको मैं यही बोलूंगा आप लोग नवंबर मंथ का बुइया पास लीजिएगा, वो अक्टूबर से भी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। खैर यहाँ पर बुइया पास का रिव्यू कंप्लीट होता है, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फ्री फायर इंडिया वर्सन के बारे में, इसको किस तरीके से सेलिब्रेशन किया जाएगा, या फिर हम ऐसा अगर डायरेक्टली कहे कि भाई फ्री फायर इंडिया वर्सन को क्यों रोक दिया गया है। तो भाई देखो असल मुद्दा यह है, गरना वाले को पता चल गया था फ्री फायर इंडिया वर्सन के अंदर इतने सारे प्लेयर एक साथ में आएंगे जो कि अभी फ्री फायर मैक्स में भी नहीं गेम प्ले करता है। तो बहुत से प्लेयर ऐसे जो कि फ्री फायर इंडिया वर्सन के अंदर आने वाले हैं। अब अगर सिर्फ नॉर्मली बिना कुछ हाइप क्रिएट किए ही अगर गेम को अपने प्ले स्टोर के अंदर दे दिया जाएगा, तो भाई ये उतना ज्यादा हाइप वाला गेम नहीं रहेगा, फिर कह सकते हो ये उतना ज्यादा वायरल नहीं होने वाले। तो भाई गरना वालों ने जानबूझकर दो चीज को देखा है एंड इसको रोक दिया है। पहली बात, गेम का हाइप और ज्यादा बढ़ाना है एंड इसको एक सेलिब्रेशन की तरह अपने प्ले स्टोर के अंदर लाना है। मतलब कि एक बहुत खुशी का माहौल होगा एंड आप लोग को बहुत सारे फ्री के रिवॉर्ड्स दे देंगे फ्री फायर इंडिया वर्सन को इंस्टॉल करने पर, और अभी तक सब कुछ तैयार नहीं किया गया है इसलिए गेम को रोक दिया गया है। एंड आपको मैं इतना बता दूं, जैसे कि सब लोग अपने प्ले स्टोर के अंदर से फ्री फायर इंडिया वर्सन को डाउनलोड कर लोगे, तो भाई आप लोग को बहुत से कमाल के फ्री के रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, जो कि पहली बात है गेम को प्री रजिस्टर करके डाउनलोड करने के लिए कुछ फ्री के रिवॉर्ड्स, एंड गेम के अंदर फर्स्ट टाइम गेम प्ले करने के लिए कुछ फ्री के रिवॉर्ड्स, एंड साथ ही में अगर आप लोग गेम के अंदर कुछ किल वगैरह करते हो, मतलब आप लोग को करने वाले सिंपली कुछ मिशन देंगे, इतना किल करो इतना भुइया करो, तो भाई उसका आप लोगों को जो है अलग फ्री के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर ये तीनों तरीका है जिससे आप लोग को फ्री के रिवॉर्ड्स दे जाएंगे फ्री फायर इंडिया वर्सन के अंदर, एंड ये बात बिल्कुल कन्फर्म है। तो गाइस को यह हो गया अपना फ्री फायर सेलिब्रेशन इवेंट को पर अपडेट। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन से मैं कुछ कमेंट अच्छे से पिक नहीं कर पा रहा था, अपडेट बहुत सारा था एंड भाई आज हमने टाइम निकल कर कुछ कमेंट्स को पिक किया है, जरा उन कमेंट का रिप्लाई देते हैं। तो गाइस अपना जो पहला कमेंट था वो कुछ ऐसा किया गया था कि बरमुंडा गेम प्ले के लिए कोई बेस्ट गन स्किन बताओ, एंड सनी भाई बुइया डे का जो इवेंट है वो कब आने वाले है ये बता दो। देखो यार फिलहाल तो इंडिया वर्सन चल रहा है तो बुइया डे का इवेंट करने वाले फिलहाल नहीं देंगे, थोड़ा सा लेट कराएंगे। इसलिए देखो यार 5 तारीख को रैम्पेज इवेंट खत्म हो गया है बट अभी तक कुछ इवेंट गेम के अंदर दिया नहीं गया है, बस एक छोटा सा फ्री का इमोट देकर इवेंट को चलाया जा रहा है। और अपने बीआर रैंक में गेम प्ले करने के लिए आप लोग को सबसे बेहतर गन स्किन मिलने वाले दो, या तो ग्रोजा एक्स या फिर M14 और OB3 चिप के साथ लगा हुआ ARMO में। एंड अगर शॉर्ट रेंज चला तो फिर आप लोग को जो फेवरेट लगे M1007 भी चला सकते हो, MP40 भी चला सकते हो एंड M10 भी चला सकते हो। अगर M10 चलाओगे तो भाई उसको मैक्स कीजिएगा पहले, मतलब चिप लगाकर और उसके बाद ही M10 बढ़िया है, वरना M10 उतना खास नहीं चलेगा। खैर जो अगला कमेंट था, सनी भाई फ्री फायर इंडिया वर्सन को क्यों रोक दिया गया है, 9 तारीख को अपने इंडिया का नाम चेंज होकर भारत हो जाएगा, क्या भाई इस वजह से फ्री फायर इंडिया वर्सन का नेम चेंज कर दिया गया है, इसका असली वजह क्या है। देखो दरअसल मुद्दा यह है, या फिर बात अगर हम ये कहे, आज मैं इसको पर अपडेट ढूंढ रहा था और मुझे लगा कि भाई आज इसको कवर कर देना चाहिए, लेकिन भाई जब मैंने कोशिश किया सब कुछ कलेक्ट करने का तो भाई पूरा अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है। एंड आप लोग ऐसा कहकर चल सकते हो सारे अपडेट मेरे पास आया नहीं है, इसलिए भाई मैंने आज इस अपडेट को साइड रखा हूं एंड मैं इसको जो है कल कवर कर देने वाला हूं। इसके बाद जो अपना अगला कमेंट आते हैं, सनी भाई अपना ओल्ड पीक कब बैक आएगा और क्या फ्री फायर इंडिया में ओल्ड पीक वापस आएगा। तो भाई देखो ऐसी बात नहीं, अभी तक ऐसा कुछ लिक्स तो मिला नहीं है मेरे पास में, जितना भाई बताया गया है कुछ ऐसा ही है कि आप लोग को ओल्ड पीक फ्री फायर इंडिया वर्सन के अंदर देखने को नहीं मिलने वाले, इंडिया वर्सन के अंदर भी अपना न्यू पीक को ही दिया जाएगा। तो ये था कुछ आज के लिए कमेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट था। एंड भाई वैसे ही वीडियो लंबा बन रहा है आजकल क्योंकि फ्री फायर इंडिया वर्सन की वजह से हर रोज न्यू अपडेट निकल कर आ रहा है, जो कि मैं भी मजबूर हूं अगर कवर नहीं करूंगा फिर आप लोग को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए भाई वीडियो का आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा याद से, एंड आई वॉस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय गाइज।